दिल्ली के छात्रों और शिक्षकों के लिए डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन का नया ऑर्डर चौंकाने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने अपने ताजा आदेश में कहा है कि दिल्ली में स्कूल 18 जून तक खुलेंगे। इस प्रकार वहां की गर्मियों की छुट्टियां केवल 10 दिनों की होंगी। आपको बता दें कि दिल्ली के स्कूलों में समर वेकेशन यानी आज से शुरू होने को था, लेकिन इससे पहले शिक्षा निदेशालय ने छुट्टी को आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया। डीओ के इस ऑर्डर के बाद शिक्षकों और छात्रों की चिंता बढ़ गई है। इसके पीछे का कारण दिल्ली की तपती गर्मी है। आपको बता दें कि इस साल गर्मी जहां सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और बहुत से राज्यों में सूरज की तपिश को देखकर जल्द ही गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, तो वहीं दिल्ली राज्य में सबकी अपेक्षाओं से उल्टा फैसला लिया गया। यहां का तापमान और लू दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में डीओ का समर वेकेशन कैंसिल करने का आदेश लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है। शिक्षकों और छात्रों की यही दुविधा है कि इतनी गर्मी में इतने लंबे समय तक स्कूल खोलने से कहीं छात्रों की सेहत का कोई नुकसान ना पहुंचे। दिन बढ़ने के साथ गर्मियों के भी बढ़ने के आसार हैं। आपको बता दें कि डीओ अधिकारी का कहना है कि महामारी के दौरान पढ़ाई का लॉस कवर करने के लिए समर वेकेशन में स्कूल खोलना ज़रूरी है। दिल्ली में किसी न किसी वजह से स्कूल इतना ज़्यादा बंद रह चुके हैं कि उनका नुकसान को कवर करने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में क्लासेस करना ज़रूरी है। निर्देशालय की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार 10 और 12 के छात्रों के लिए मिशन बुनियाद के लिए और कक्षा 3 से 9 तक समर कैंप 15 जून तक आयोजित किए जाएंगे। शिक्षकों को 18 जून तक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जमा करने के लिए कहा गया है, तो वहीं 28 जून से फिर से स्कूल खोले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।